रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज पीछे नहीं और सर स्टार्ट करें आज का प्रोग्राम। रिक्वेस्ट है सर ये माइक लगा दें इससे आवाज़ आपका क्लियर आए। बिल्कुल बिल्कुल भाई सब लोग रिक्वेस्ट करेंगे सब लोग अपने मोबाइल को ऑन थोड़ी देर के लिए 30 मिनट्स के लिए ऑफ कर लें, कॉल ना करें, अटेंड ना करें, अगर पॉसिबल बहुत अर्जेंसी है तो बाहर जाके कर सकते हैं। सर ऑल इट्स योर्स। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था आपसे, 304 भी के किसी ने क्वेश्चन पूछा था उस कॉल में सर, हमने आप रेप को जानने से पहले जो चीज़ों का जानना बड़ा जरूरी है, मेजर और माइनर के बारे में जानते हैं आप लोग? सब नोन है कि मेजर और माइनर क्या है, क्योंकि अगर रेप को जानना है तो पहले मेजर और माइनर को जानना सीखो, क्लासिफिकेशन अलग अलग होता है। कंसेंट जानते हैं आप? कंसेंट का जानना जरूरी है। इच्छा जानते हैं आप? ये वो शब्द है जो बेसिक शब्द की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, बताने में अच्छा लगेगा उसमें, क्योंकि रेप को डिफाइन करने के लिए एज, कंसेंट, इच्छा और थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करूँगा, जिसे आप लोग कोई आपको डराए और ये कहे कि गन पॉइंट पे या किसी तरह से कि आप ये चीज़ हमें दे दो, आप लोग दे देते हैं। इन शब्दों का चयन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रेप में ये सारी चीज़ें होना, टाइप ऑफ रेप बता दूँगा, टाइप ऑफ रेप बहुत रेयरेस्ट कोई बता पाएगा कि कितने टाइप के रेप होते हैं। एक नया नाम आया डिजिटल रेप, डिजिटल रेप दिमाग में आते ही आपको क्या महसूस होता है, डिजिटल रेप क्या रेप होगा? डिजिटल रेप को आप लोग लगता होगा मोबाइल से, कंप्यूटर से, इंटरनेट से, बेसिक लोगों के दिमाग में यही होगा डिजिटल रेप। इसका चलन तो 2013 से हो चुका था डिजिटल रेप का, लेकिन आज भी हम लोग अपनी जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो रेप पे ही करते हैं, उसको डिजिटल रेप नहीं बोलते। कि डिजिटल रेप है क्या? अभी रिसेंट में हमारे पास एक केस आया है जिसमें डिजिटल रेप था, लेकिन हम उसको जब भी पूरा पढ़ रहे हैं तो उसमें रेप 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 वर्ड यूज हो रहा है। और डिजिटल रेप जितने लोग भी सुनते हैं उनके दिमाग में अलग सा एक आता है। आपको बता दूं 2012 में केस हुआ था निर्भया, अगर याद होगा 2012 के बाद वो अमेंड हुआ था। 2013 में जस्टिस थे, वेट कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, जस्टिस नाम बताना चाहूँगा, शायद मैंने कहीं नोट डाउन भी किया होगा अगर देखता हूँ, जेएस वर्मा साहब। पहले क्या होता था, पहले रेप को डिफाइन कर देते फिर डिजिटल रेप पे आ जाते, तो दोनों में बेसिक कॉन्सेप्ट। रेप के टाइप होते हैं, रेप के टाइप हैं जो शायद किसी किताब में नहीं लिखा होगा, जनरल नहीं मिलता, जो हम लोग की आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में है उसमें आप रेप के टाइप नहीं जानेंगे, क्योंकि वहाँ बस रेप वर्ड यूज़ हुआ, उसमें विक्टिम का कौन है, विक्टिम की क्या पोजीशन थी, विक्टिम को देखते हुए रेप को अलग अलग परिभाषित किया गया। अब कुछ नाम बताना चाहूँगा, एक है डेट रेप, रेप का एक टाइप है डेट रेप, ये वहाँ पर ये वर्ड यूज होता है जहाँ पर फैमिलियर जो आपको बहुत अच्छे से जानता वही रेप करता है, मतलब ये बहुत कम आपको, क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन नहीं करते, हम सारे वकील भाई जितने भी हैं हम लोग बस रेप रेप रेप, जबकि रेप की अलग अलग टाइप्स हैं। कि अगर आप आपका कोई परिचित जानने वाला अगर रेप करता है उसको बोलते हैं डेट रेप, ये सबसे बेसिक बात बता रहा हूँ।
प्रकार बता दूंगा, फिर रेप बता दूंगा, रेप को भी डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी इसीलिए पहले पूछा आपसे कि एज माइनर मेजर जानते हैं, आपने कहा जानते हैं, आपसे पूछा कंसेंट आप जानते हैं, आपने कहा हाँ कंसेंट क्या होती है मुझे मालूम है, इच्छा आपने कहा मुझे मालूम है। उसके बाद ये बेसिक इसलिए बताया क्योंकि शुरू यहीं से होगा जो भी होगा। एक उसके बाद होता है सामूहिक रेप, हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा सबको अच्छा लगेगा कि हम लोग सब सामूहिक रेप के लिए दो या दो से अधिक लोगों का होना जरूरी है। एक होता है पति पत्नी का बलात्कार, ये भी होता है, और यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है जब पति पत्नी के बलात्कार में, तो इसमें जो पनिशमेंट है वो 2 साल का होता है और जमानती होता है और सेशन न्यायालय से ही होगा, और ये तब होता है कि पत्नी की कंसेंट अगर नहीं है, आप उस कंसेंट के अलावा अगर आप बल इस्तेमाल कर रहे हैं तो पति पत्नी का बलात्कार होता है। एक कंडीशन यहाँ पर और आ जाती है, अगर लड़की माइनर तो भी ये क्लॉज फुलफिल होता है पति पत्नी का बलात्कार। यहाँ पर एक चीज मतलब मेरी अपनी है कि हमने कई केसों में देखा और आज भी क्वेश्चन मन में आता, अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई जबकि होना बहुत जरूरी है। तंज वो क्वेश्चन जो तुम्हारा था वो तुम्ही से पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन था तुमने किया था पॉक्सो की कंडीशन को फुलफिल करना और रेप की कंडीशन को फुलफिल करना, याद आ रहा है? जरा फिर से एक बार बताओ। एक्सप्लेनेशन है 75 में कि 15 इयर्स के एज के नीचे अगर पत्नी है तब उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हस्बैंड एस्टैब्लिश करेगा, देन वो रेप के एम्बिट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये जो 15 ईयर वाला क्लॉज है ये स्पेशल एक्ट आया पॉक्सो, उसमें बोला गया कि 18 साल के नीचे कोई भी व्यक्ति किसी भी वुमेन के साथ अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स एस्टैब्लिश करता है तो वो सेक्सुअल असॉल्ट के एम्बिट में आएगा। तो वो 18 साल के लिए जो बोला गया उसमें एक वर्ड यूज किया गया फैमिली मेंबर भी। तो ये जो स्पेशल एक्ट और आईपीसी क्योंकि ग्रंडनॉम है क्रिमिनल उसका, इन दोनों की जो लड़ाई है उसके लिए ऐसा लेजिस्लेचर को अब लाना चाहिए कि आईपीसी ही प्रिवेल करे, स्पेशल एक्ट प्रिवेल ना करे, क्योंकि हम लोग पॉक्सो जल्दी नहीं पढ़ते हैं, हम लोग आईपीसी ज़्यादा पढ़ते हैं, तो लेजिस्लेचर को अपना क्लियर हुआ। ये इसलिए बताया इनसे ही क्योंकि ये आपके ही बीच के हैं, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ये एक है, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए बता रहा था क्योंकि मैं पति पत्नी के बलात्कार पे आया था, फिर आता बच्चों का बलात्कार, ये टाइप्स ऑफ रेप हैं। एक इसके बाद आता है वैधानिक बलात्कार, वैधानिक बलात्कार बच्चों का तो आप समझ गए होंगे, वैधानिक का मैं बता देता हूँ, कम उम्र के लोग जिनकी क्षमता नहीं होती है सहमत देने की, उनके साथ जब रेप होता है तो वो वैधानिक बलात्कार कहा जाता है। इसको ये भी मान सकते हैं, मैंने आपको बताया था कम उम्र की लड़की से शादी कर देना और पुरुष ज़्यादा उम्र का है क्योंकि वो उनकी पत्नी बन के आई, लेकिन एक निश्चित आयु से कम उम्र के लोगों को कंसेंट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो उस स्थिति में ये वैधानिक बलात्कार आता है। फिर अपने यहाँ जेल बलात्कार बहुत कम है लेकिन अमेरिका में बहुत है, 12% 3-12% के तक बीच में जेल बलात्कार होता है, जो जेल में कैदी हैं उनके साथ ये जो बलात्कार होता है जेल बलात्कार, ये टाइप है, क्योंकि आप लोगों को अभी जेल की तैयारी भी करनी है उसमें भी आपको ये काम आएगा, ये कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि हम लोग तो केवल आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में सेक्शन 375 पे टिक गए और 376 पनिशमेंट पे चले गए,
टाइप कहीं डिस्क्राइब नहीं किया, या तो इसके लिए आपको एक कमेंट्री लेनी पड़ेगी, जैसे बटुक लाल जी की कमेंट्री है, आप लेटेस्ट लेंगे, हर साल कुछ ना कुछ अमेंड होता है, जो चीज़ एक पन्ने में है वो उनके यहाँ पूरा उसका एक लिटरेचर है, उसको आप कमेंट्री पढ़ेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, कमेंट्री पढ़िए आप लोग, बेयरट का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, आपके लिए दो उससे दो प्लस पॉइंट रहेंगे। आपको कभी जे की तैयारी करनी है तो जे की तैयारी के लिए बहुत सुटेबल बुक है। कमेंट्री पढ़िए, किसी भी राइटर की पढ़िएगा, कमेंट्री लीजिएगा, बेयरट से बिल्कुल मत पढ़ना। बेयरट केवल हम जैसे भाइयों के लिए बना है, जो हम लोग प्रैक्टिस में, क्यों मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे बस ये देखना है यहाँ इंटरप्रिटेशन वर्डों का क्या होगा। तो आप लोग को सजेस्ट करूँगा, चाहे IPC लें, चाहे CRPC लें, और चाहे एविडेंस लें, लेना आप कमेंट्री, कमेंट्री पढ़िएगा। मैं कह रहा हूँ एक पार्ट मंगा पाएंगे ना, आप इतना एफोर्ड करें तो एक पार्ट पढ़ें, लेकिन पढ़े ज़रूर, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, अभी तो आप सीख रहे हो। और कमेंट्री से मैंने भी पढ़ा, मैं बेयरट पे विश्वास नहीं करता, जल्दी में जो चीज़ मिलती है वो हमेशा अधूरी होती है, तो बेयरट मत, बिल्कुल मत पढ़ें आप। एक सीरियल रेप बोलते हैं, इसके बाद आता है सीरियल रेप, एक ही विक्टिम साथ टाइम टू टाइम कई बार उसके साथ जो रेप होता है उसको बोलते हैं सीरियल रेप। डेफिनेशन में है सीरियल रेप, आप समझ गए कि एक जो पीड़ित है उसके साथ कई बार रेप, सीरियल रेप कहलाता है। फिर आता है एक बड़ा एक आया पेबैक रेप, ये भी एक रेप है, इसका इसमें जो दंड दिया जाता है वो बलात्कार का दंड है, मतलब जैसे वहाँ के पुरुष हैं और मोस्टली ये प्रशांत द्वीप जो है वहाँ पर ऐसा होता है, पति के द्वारा या फैमिली मेंबर के द्वारा कोई भी गलत कार्य अगर किया गया तो उसके एवज में जो दंड है वो दंड है बलात्कार, उसको बोलते हैं पेबैक रेप। जैसे हम लोगों को कोई गलत काम करें तो मुर्गा बना दिया जाता है, हाथ खड़ा कर दिए, लेकिन वहाँ पर उसके साथ बलात्कार उनके परिवार के साथ या उनके यहाँ जो महिला हैं वो दंड के रूप में बलात्कार, वो प्रशांत द्वीप महासमूह अपने यहाँ नहीं है, ये वहाँ का कल्चर है, क्योंकि बताना इसलिए ज़रूरी क्योंकि ये भी एक टाइप है, इसलिए आपको यहाँ बता रहा हूँ। और युद्ध बलात्कार, ये कहता है युद्ध बलात्कार, जब दो लोगों में युद्ध चल रहा है, दो सेनाओं में, तो जो कैदी होते हैं उनके साथ जो रेप होता है वो, तो इसलिए एक एक चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ, कहीं किसी को कुछ हो तो आप नहीं बोल दें, मोस्टली नाम से ही मैं स्पष्ट कर देता हूँ तो उससे बहुत क्लियर हो जाता है। कितने हो गए लिखा, कितने हो गए 9। एक होता है धोखे से बलात्कार, ये धीरे धीरे इस पर सुप्रीम कोर्ट के लगाम कस रहा, बहुत लोग कह रहे थे ना धोखाधड़ी करके जो बलात्कार करते हैं कि हम आपको सर्विस दिलवा देंगे, नौकरी दिलवा देंगे, धोखे में रखना फिर उसके साथ, तो वो यही प्रकार है। एक होता है हिरासत में बलात्कार, जो पुलिस कस्टडी में या किसी इसमें, तो वो हिरासत में बलात्कार हो गया। रेप का जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स है, मिनिमम, मैक्सिमम आजीवन कारावास है, कठोर 10 साल का हो सकता है, क्योंकि केस की परिस्थितियों के हिसाब से ये देखा जाता है इसकी ग्रेविटी क्या है। जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट का जो डिफाइन पनिशमेंट जजमेंट में किया जाता है एज पर सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जो उसकी परिस्थितियां होती उसके अकॉर्डिंग होता है। देखिए सब एडल्ट हैं, मैं रेप के बारे में जो बता रहा हूँ और डिजिटल रेप, बहुत बड़ा अंतर नहीं है रेप और डिजिटल रेप में, क्योंकि मैंने बताया था निर्भया कांड हुआ था 2012 में दिल्ली में, 6 लोग थे और बड़ा चर्चित केस था, उसमें लास्ट में पीड़िता की डेथ भी हो गई थी, और
उसमें फांसी की सज़ा हुई। एक जुबनाइल था वो था, एक ने सुसाइड कर लिया था, छः लोगों ने, चार लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी, एक जुबनाइल डिक्लेयर हुआ था और एक को, हाँ एक ने सुसाइड किया था। उसमें जब ये संशोधन हुआ 2013 में, तभी डिजिटल रेप की परिभाषा आ गई। साधारणतया रेप जो होता है कि जो ह्यूमन है, अब मैन का जो ऑर्गन है और फीमेल का जो ऑर्गन है, उसमें इंटरकोर्स को बलात्कार कहा गया, जिसके लिए बताया गया कि आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपकी सहमति के विरुद्ध, आपको धोखे में रखकर, आपको नशीला पदार्थ खिलाकर या आपको डराकर, आपको डराकर, ये मेन इंटीग्रेंट हैं कि कंसेंट का होना। कभी कभी लोग लिख देते हैं कि उन्होंने हमसे कहा हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। दो मेजर लोग एक दूसरे के रिलेशन में हैं और उसको ये विश्वास दिला देते हैं कि हम आपसे मैरिज करेंगे, और मैरिज नहीं करते और उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन जो बनाते हैं। बाद में वही लड़की आप पर रेप का आरोप लगाती जब आप उससे शादी नहीं करते। ये चला और अभी पिछले 2 साल से इसमें एक डाइवर्जन आया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत लेटेस्ट जजमेंट आया जिसमें उन्होंने माना कि आप एडल्ट हैं, शादी का कोई झांसा देकर आपके साथ रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो उसको रेप की परिधि से बाहर रखा गया। कई जजमेंट ऐसे जिसमें उनको ये रेप नहीं माना गया, क्योंकि आप मेजर हैं, आप अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, आपको ये मालूम है कि अगर इसने धोखा दे दिया तो उससे होने वाले विपरीत परिणाम भी आपको मालूम है कि क्या होंगे। क्योंकि लेटेस्ट अभी लगातार पिछले 2 साल से इसी टॉपिक पर जजमेंट आ रहे हैं, जिसमें धीरे धीरे ये ऑब्जर्वेशन आ रहा, मोस्टली ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है कि इस टाइप के रिलेशन को रेप नहीं कहा जाएगा, लेकिन आज भी लोग इसको रेप कहते हैं। क्योंकि वो ट्रायल से तय होगा कि आपका उसमें कंडक्ट क्या था, आपका उसमें एक्ट क्या था, आपने अपना पार्ट प्ले किया था कि नहीं किया था, क्या ऐसी परिस्थितियाँ आई, ये सब्जेक्ट बात का है। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर ऐसी स्थिति में उसको बलात्कार की श्रेणी में रखा गया, और मोस्टली मुकदमे कानपुर कोर्ट में ही, अगर 100 मुकदमे होंगे, 100 में 80 मुकदमे इस टाइप के ही हैं कि पहले लोग रिलेशन में थे, दोनों मेजर थे, कंसेंट होती थी, और उसके बाद फिर उन्होंने जब शादी का या जो भी उनको लोभन दिया नहीं किया तो उन्होंने उसको रेप में परिभाषित कर दिया। रेप के लिए लोग सीधा सीधा ये आते थे, थोड़ा सा डिजिटल रेप यार हो गए हैं। रेप में अभी कहीं कोई, हाँ कुछ सर, अभी मैंने कहीं से किसी ऑर्डर पढ़ा था किसी हाई कोर्ट का, उसमें ये कहा कि अगर लिबरल रिलेशनशिप में आप हैं तो आप रेप का चार्ज नहीं लगा सकते, लेकिन जो लेडी के एक्सपेंसेस हैं वो सब्जेक्ट अलग हो गया, मैं केवल रेप तक सीमित था। तो अलग ही बात, एक्सपेंसेस बियर करने के बाद एक्सपेंसेस को डिफाइन यहाँ नहीं किया जा रहा, यहाँ मैं केवल रेप को डिफाइन कर रहा हूँ। मैं एक्सपेंस आप मैं उसे सब्जेक्ट से एकदम हट जाऊंगा। घरेलू हिंसा है, डोमेस्टिक वायलेंस, मैं एकदम सब्जेक्ट से एकदम बाहर चला जाऊंगा। इसीलिए मैं टोक रहा हूँ आपको, थोड़ा सा अदरवाइज लग रहा होगा, क्योंकि मैं जिस सब्जेक्ट पे हूँ, मैं रेप से इसी तरह एकदम से डिजिटल रेप पे आने वाला हूँ। मैं आपने जो आपका बेसिक सब्जेक्ट है कि रेप की रिलेशन को उन्होंने क्या माना, बलात्कार माना कि ओनली रिलेशन माना, ये आपका सब्जेक्ट था। अब उसके एक्सपेंसेस ये अदर सब्जेक्ट है, क्योंकि हम रेप एक बड़ी घटना है, एक बड़ा अपराध है, रेप वर्ड बहुत बड़ा अपराध है, जिस किसी लड़के पर लग जाता है ना उसकी स्थिति भी खराब होती है, और जिसके साथ ये होता है ना उसका जीवन पूरा खराब होता है। तो बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, एक शब्द है ना रेप। अब इस समय तो मोस्टली आप देख लीजिए, जिसको देखो वो रेप, डिजिटल रेप और रेप में मैं इसलिए बताना चाहता था, रेप में आप सबको मालूम है कि जो आपका मैन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जब तक
रिलेशन फोर्सली बनता है उसको ही रेप कहते हैं, मालूम है आपको? सभी लोगों को यही मालूम था। जब 2013 वाला केस हुआ, 2013 में जब अमेंड हुआ, तब आया डिजिटल रेप। उसमें था क्या, डिजिटल रेप के बहुत से मामले आते थे। ऐसा है ना कि लोगों को लगता था कि वेजाइना में पेनिस का ही जाना, जब तक नहीं जाएगा तब तक उसको आप रेप नहीं मानेंगे। यही था और यही लोग पढ़ रहे थे। लेकिन जब निर्भया कांड हुआ तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वेजाइना में किसी भी चीज़ को इंटर करना रेप की परिधि में आएगा। उंगली, पैर का अंगूठा, पेन, रॉड, किसी भी तरह की कोई चीज़, क्योंकि जो परिभाषा थी उस परिभाषा में यही चेंज हुआ कि इसी को बोला गया डिजिटल रेप। जो डिजिटल रेप आप लोग सोच रहे थे कि मोबाइल से या लैपटॉप से, ना, ऐसा नहीं है। पेनिस के अलावा वेजाइना में जो भी चीज़ इंटर होगी, चाहे वो आपकी उंगली हो, पैर का अंगूठा हो, पेन हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप इंटर करेंगे, सुनते जाइएगा, तो उसको डिजिटल रेप बोलेंगे। पहले क्या होता था, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती थी तो जो नॉर्म्स था कि पेनिस के इंटर किए बिना आप उसको रेप नहीं मानते थे, तो वो लोग बच जाते थे, यौन शोषण में चले जाता था केस। निर्भया के बाद किसी को अमेंड किया गया था, उसको तब डिजिटल डिजिट रेप उसको बोला डिजिटल रेप। डिजिट वर्ड को आप डिफाइन कर सकते हैं, आप पढ़ेंगे डिजिट, फिर रेप, उसको बोला डिजिटल रेप। और चूंकि जब ऐसा अपराध होता था उस समय के प्रेजेंट के लॉ को देखते हुए, उस पर रेप का कोई चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता था, ना ही रेप में उसको आरोपित कर सकते थे, क्यों, उसने उंगली या पैर के अंगूठे को इंसर्ट किया। अगर वो कर रहा है, FIR होती, तो वो रेप में उसके खिलाफ चार्ज नहीं बन सकता था, क्यों, लॉ में ऐसा था ही नहीं कुछ, इसीलिए अमेंड किया गया। इसके साथ साथ माउथ के अंदर किसी चीज़ का डालना, एनल में किसी चीज़ का डालना, ये भी डिजिटल रेप की ही परिभाषा में थी। डिजिटल रेप को हम लोग बोलते नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को बड़ा अजीब लगता है डिजिटल रेप। जब आप उसको स्पष्ट अगर आप जानेंगे कि डिजिटल रेप हुआ क्यों, पेनिस के अलावा कोई भी चीज़, अंगुली, अंगूठा, पेन, कोई भी चीज़ जो इंसर्ट की जाएगी वो डिजिटल रेप की परिधि में आएगी। ये अमेंडमेंट हुआ था और निर्भया केस के बाद ही किया गया था, क्योंकि इससे पहले एक केस हुआ था और ये डिजिटल केप की जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ वो 2019 से नोएडा में ये केस हुआ था, और जज थे मिस्टर अनिल कुमार सिंह, जिन्होंने जो अभियुक्त था उसको आजीवन कारावास की सज़ा की थी। एक बच्ची थी शायद 3.5 साल की, नोएडा के पास कोई गांव था, सासाराम करके ऐसे कोई गांव था, वहाँ पर उन्होंने यही किया था, उसके उंगली डाल दी थी, जिसकी वजह से उनको जब कन्विक्शन हुआ तो ये माना गया था कि ये डिजिटल रेप की परिभाषा में आता है। डिजिटल रेप हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग आम बोलचाल में भाई बोलते ही कहाँ रेप 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 रेप, और डिजिटल रेप में इसके अलावा बाकी जिन लोगों के दिमाग में था कि शायद वीडियो से या फोटो से या लैपटॉप से या मोबाइल से, ऐसा कुछ नहीं, उसमें माउथ भी इंक्लूड है, एनल भी इंक्लूड है और वेजाइना भी इंक्लूड है। किसिंग करना भी, किसी व्यक्ति का वेजाइना पर किसिंग करना भी डिजिटल रेप की परिधि में आता है, डिजिटल रेप की ही परिधि में आएगा। बाकी किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। क्लियर है डिजिटल रेप, दिमाग में क्या था डिजिटल रेप को लेके? लैपटॉप, मोबाइल, एक वर्ड होता है स्ट्रॉन्ग रिवेंज, वो भी आ रहा था इसके आसपास, क्योंकि मैं डिजिटल रेप को ज़्यादा लोग बोलते ही कहाँ हैं। एक क्वेश्चन इधर से आएगा, प्लीज क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आप, मुझे लग रहा था आप ही पूछेंगे।
यस डिजिटल रेप में अगर दो लोग एक दो या दो से अधिक लोग हुए तो गैंग रेप की परिभाषा क्या सर? दो या दो से अधिक सर एक कंसेंट आपने बोला कि अगर माइनर लेडीज शादीशुदा अब उसका कंसेंट मतलब 16 मान लीजिए 15 से अब कंसेंट है उसका हुआ तो उस बाद में मैरिटल रेप के चार्जेस हुए फ्री तो जब मैरिज ही वाइट नहीं है तब उस हालत में वो रेप नहीं कंसिडर किया जाएगा कि मैरिटल रेप कंसिडर किया आप ट्रायल पे पहुंच गए आप ट्रायल पे पहुंच गए बेसिक डिफरेंस क्या आपने कंसेंट मैं कह रहा नाबालिग थी नाबालिग की कंसेंट आप ले भी ली तो भी आपको आरोपी तो बलात्कार ही होंगे मैंने अभी बताया मैंने पनिशमेंट में बोला था उस समय किसी ने ध्यान दिया था कि मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर मैक्सिमम आजीवन और एक होता कठोर कारावास जो 10 ईयर्स का होता है पनिशमेंट का क्लासिफिकेशन हमेशा केस की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग होता है अगर वो आपकी पत्नी है आउट ऑफ द टॉपिक जाके बात करते हैं अगर आपकी वो पत्नी है और अगर आपको कंसेंट दे रही है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं तो कोर्ट क्यों आओगे जब कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तभी पोजीशन आती ना बाहर तो यहाँ पर हमें ये देखना था जो आपका क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था मुझे लगता है इससे सबको एकदम क्लियर होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो भी कंसेंट देखिए एक बात बता दूँ रेप में मैं आपको दोनों रोल बताऊँगा कि क्या होता है कंसेंट का होना किस टाइप कंसेंट एक होता मुँह से कह दिया हाँ मैं तैयार कंसेंट का एक्ट भी होता है बैड थिंग और गुड थिंग के बारे में आते हैं ना बैड टच गुड टच जानते हो ना ये भी कंसेंट का एक वे है और हम आपसे यही कहेंगे कि चाहे वो पति पत्नी हो चाहे वो कोई भी हो एक्स वाई जेड अगर नाबालिग है तो उसने कंसेंट दे भी दी है तो उस कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है आप रेप के आरोपी होंगे ये तो पापसों की तरह में आएगा वो स्पेशल एक्ट जो भी लगेगा पॉक्सो का 3/4/5 पॉक्सो एक्ट वो उसके साथ क्लब होके आएगा ड्यू टू माइनर माइनर में ही आएगा माइनर की ही पोजीशन पे 18 वर्ष से कम में ये आएगा क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन है कि क्या ये रेप सिर्फ फीमेल के साथ होगा या बच्चों के साथ होगा तभी माइनर है समझ नहीं आया मान लेते हैं किसी आदमी के साथ किया तो भी क्या वो डिजिटल रेप या रेप की श्रेणी में 377 आएगा रेप नहीं आएगा तो सर यही क्वेश्चन है कि डिजिटल रेप 377 को आप पढ़ें अननेचुरल सेक्स और पति पत्नी में शायद ये अपवाद है मेल के साथ अगर एनल सेक्स करता है मेल के साथ एनल सेक्स करता है या माउथ सेक्स करता है वो 377 की परिभाषा में से आएगा रेप में नहीं काउंट होगा में कम सर आईपीसी सेक्शन 375 में जो 6th एक्सेप्शन है उसमें कहा गया है कि किसी पति द्वारा अपनी पत्नी में संयोग 15 वर्ष की आयु जबकि पत्नी की अंदर नहीं मतलब होनी चाहिए उसके अंदर नीचे नहीं होनी चाहिए तो उसको बलात्कार में नहीं आता लेकिन जो हमारे प्रावधान में दिया गया है कि हमारी बालिग उम्र 18 वर्ष है तो 15 वर्ष की उम्र क्यों है उसकी जगह और 15 वर्ष की उम्र में वो पत्नी कैसे बनेगी जो ये जो 15 ईयर्स की जो आप एज बता रहे हैं उसके लिए एक स्पेशल एक्ट आया पॉक्सो उसी को कवर करने के लिए आया हुआ जो पॉक्सो एक्ट आया
वो उसी को कवर करने के लिए आया है। क्योंकि अभी अभी मिस्टर प्रांजल शुक्ला ने आपको बताया था कि दोनों स्थितियों में मैंने इसीलिए जब आप लोगों से पहले ही मैंने ये क्वेश्चन इसलिए करवाया था क्योंकि वो 15 वर्ष जो लिख के आ रहा था ना कि 15 वर्ष तक के लोगों के साथ ये है, तो वो इसीलिए था कि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर डिस्कशन होना ज़रूरी है कि प्रिवेल किसको करेंगे, हम स्पेशल एक्ट को प्रिवेल करें कि हम IPC को प्रिवेल करें। लेकिन मेरी समझ से तो IPC को प्रिवेल करना चाहिए स्पेशल एक्ट। नहीं बोलूँगा, बहुत नहीं कहूँगा क्योंकि उस लॉ में मैं जाना नहीं चाहता। उसमें तो विवाह के टाइप छोटा सा मुतहा विवाह देख लीजिए आप, तो मैं इसको क्या आप भी IPC कुछ तो हम तो रेप कहेंगे अपने व्यूज दे लीजिए कि उसको क्या कहेंगे, रेप कहेंगे हम तो कंसेंट है तब भी रेप होगा। IPC को मैं IPC को सुपर मान रहा हूँ, मैं IPC को सुपर मानता हूँ, मेरे लिए IC को मैं प्रेवल करूँगा, IPC मेरे लिए सबसे पहले है। वो तो उनकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट है यार, उसको आपकी शादी नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कॉन्ट्रैक्ट में, अगर एक पक्ष को किसी दूसरे पक्ष से कोई प्रॉब्लम नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड करता है, इनमें से किसी एक को प्रॉब्लम होगी तो कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड नहीं करता, आप तभी तो आएंगे ना। डिफेंस पूछ रहे हैं आप, जूनियर पहली स्टेज क्या रखे, पहला पैर की मुकदमा उसका रुक जाए। मैंने आपको रेप से पहले कुछ शब्द बताए थे, मैंने आपसे पूछा था कि मेजर और माइनर, यहाँ पर आप मेजर के बारे में बताओगे माइनर के बारे में बताओ, मेजर से शुरू करूँगा इसलिए कि इजी रहेगा, माइनर पे जाके खत्म करूँगा। अपने यहाँ जब भी विक्टिम के दो बार बयान होते, स्टेटमेंट दो बार होते हैं, जो पीड़िता होती है उसके दो बार बयान होते हैं, एक होता 161 जो पुलिस करती है, जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है वो 161 CRPC में रिकॉर्ड करती है, और उसके बाद एक होता है जुडिशियल स्टेटमेंट, वो होता है 164। एक अच्छा डिफेंस लॉयर बनने के लिए दो सबसे बड़ी बात होती हैं, पहले आप 161 पढ़ें, 161 में ये देखा जाता है कि हम इसने पुलिस से क्या कहा जिस पर ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और 164 देखा जाता है कि इसमें इसने क्या नया इम्प्रूवमेंट किया, या कुछ कम किया या ज़्यादा किया, या सब्जेक्ट से बिल्कुल बाहर हुआ। कभी कभी तो होता क्या है, कभी कभी हम लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाता है, फ़ायदा ऐसे होता है माना दो लोग रिलेशन में हैं, लड़की के फादर को पसंद नहीं कि लड़का मेरी बेटी से बात करे या घूमे, जबकि वो लोग रिलेशन में हैं, काफ़ी टाइम से रिलेशन में थे, घर वालों को प्रेशर, बहुत बड़ा प्रेशर होता है, उस प्रेशर को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, उसको फील किया जाता है, बहुत तगड़ा प्रेशर होता है, हर पेरेंट्स अपने बच्चे के प्रति बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, उनको लगता है कि मेरा बच्चा सही सही चले, लेकिन कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि वही बच्चे घर में बगावत करते हैं, तब वो आ जाता है सामाजिक प्रेशर। एक डिफेंस की बात करें,
लड़की क्या करती है, फादर के परिवार के दबाव में FIR भी लिखाती है और पुलिस के सामने वो पूरे, जो चूँकि फादर बोलते हैं मैं ये लेके बैठा हूँ, ये नहीं करोगे तो मैं ये कर लूँगा, क्योंकि प्रेशर कई तरह से डेवलप किया जाता है, डांट से, मार से, इमोशनली कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा, ये कर लेंगे, तो उस समय जो विक्टिम होती है वो पुलिस के सामने जो परिवार चाहता है तो वो सब बता देती, वो सब बोल देती, खूब सब बता देती कि इन्होंने मेरा रेप किया, ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन जब 164 होता है, 164 में जो स्टेटमेंट होता है, पीड़िता का स्टेटमेंट हमेशा एक महिला अधिकारी ही लिखती है, जो MM लेवल मजिस्ट्रेट होती, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। उस कमरे में विक्टिम और मजिस्ट्रेट के अलावा कोई नहीं होता, और 164 चूँकि पुलिस मेडिकल कराने के बाद उसको 164 के स्टेटमेंट कराने के लिए कोर्ट में लाती है, 164 कराना मैंडेटरी है, वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, 354 के मामलों में, 354 के सभी कंटेंट का ABCD प्लीज़ नोट डाउन, 164 हर जगह मैंडेटरी नहीं है, 164 हर केस में मैंडेटरी हो जाए कि 302 है उसमें भी अगर एक्यूज पकड़ा जाए उससे 164 करा दो, कह दो उसको सजा कर दो यहीं से, ऐसा नहीं है। 164 केवल 354 के सारे इंटीग्रेट जितने 354 ABCD इनके अंतर्गत कोई भी FIR होगी उसमें विक्टिम का 164 का होना मस्ट है। इसके अलावा रेप से जुड़े मामलों में 164 का होना मस्ट है, मैंडेटरी है, मतलब मैंडेटरी वर्ड यूज, सेल वर्ड आप प्रज्यूम करो, सेल होना है। प्लस अपहरण के केस में, अपहरण विपहरण के केस में भी 164 मैंडेटरी है। ऐसे ही 376 में, 375 के केसों में 164 का होना मैंडेटरी प्रोविज़न है, ये होना ही होना है। तो जब 164 में जब व्यक्ति पीड़िता जाती है मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देने, वो भी एक महिला होती है, वो उसके उनसे पूछती है और उसको बताती है कि बिल्कुल ये सीक्रेट है, इसको किसी को नहीं होगा, यही बयान होंगे, और वहीं पर बयान होने के बाद उसको वो पढ़ के सुनाएगी, वो अपना थम या सिग्नेचर करेगी, उसकी आइडेंटिटी वही मजिस्ट्रेट आइडेंटिटी लिखेंगे और उसको सील पैक करके वहीं पे बंद कर देते हैं, उसको सील बंद। तो मेडिकल होगी पहले या FIR? देखिए मैं आपको बता दूँ, FIR देन मेडिकल, पहले मेडिकल कराने से प्रोसिक्यूशन का केस हमेशा कमजोर होता है। आपको, आपने प्रिज्यूम कैसे कर लिया कि इसके साथ ऐसा हुआ जो ऑन रिकॉर्ड नहीं, उसने आपसे मुंह से बताया कि मेरा रेप हो गया, आप मेडिकल कराने चले गए, ऐसा नहीं होता, पहले FIR फिर मेडिकल। सर डिफेंस काउंसिल ने कोई केस किया? हाँ, मैं भी बताऊंगा उससे गए वहाँ पर ऐसा क्यों था, उससे पहले भी एक कंप्लेंट थी, मैं बताऊँगा। तो 164 में जो मजिस्ट्रेट सामने वो लड़कियाँ मोस्टली क्या करती हैं, उनको वो चीज़ें याद आती हैं, तो कभी कभी वो हो सकता है कि उसके फेवर में बोलती हैं कि हाँ मैं इनको, इनसे प्यार करती थी, मैं इनको बहुत अच्छे से जानती थी मेरा, और इन्होंने मेरे साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया, ना ही कभी इन्होंने ऐसा कोई प्रयास किया, बोलते हैं। तो जब 164 आपके फेवर में आ जाता है तो फिर 50% तो आप लीड कर गए। तो 164 को अगर डिफेंस के काउंसिल हैं तो 164 वो देखे बिना, बहुत लोग क्या करते हैं, रेप का केस आया, उन्होंने लगा कि अरे वो तो अंदर है पीड़ित, और जल्दी जल्दी बेल डाल देते हैं, जल्दी से इसको बेल आउट करो, क्योंकि ट्रायल तभी होगा जब चार्जशीट आ जाएगी, चार्जशीट का जो पीरियड है वो 90 दिन का, 90 डेज उन केस में है जब एक्यूज लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है, तब 90 डेज एप्लीकेबल होता है। बहुत लोगों को ये बात बार बार कन्फ्यूज करती है, मैं यहाँ पर फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, लोगों को लगता है कि एक FIR हो गई, एक्यूज एक्सपॉन्ड भाग गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्योंकि मैं यहाँ पर
बहुत से एडवोकेट हैं उनको भी कन्फ्यूज़न है, मेरे यहाँ इस समय बहुत से जूनियर भी हैं उनको भी इस बात का कन्फ्यूज़न होता है कि कोई FIR हुई। देखिए और यहाँ डिफाइन कर दूँ, 7 साल से कम के मामलों में, ये यहाँ भी लोग डिफाइन नहीं करते, मैं डिफाइन कर रहा हूँ, 7 साल से कम के मामलों में 60 डेज में चार्जशीट आनी चाहिए। और ब्रैकेट में जो बताऊँ वो ज़रूर लिखना, 7 साल के कम के मामलों में इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को 60 डेज के अंदर चार्जशीट लगानी होती है, तब जब एक्यूज अरेस्ट हुआ हो और वो लगातार न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा हो, यानी कि जब उसकी अरेस्टिंग हुई जिस डेट से, उस डेट से वो बराबर जुडिशियल कस्टडी में है, उसकी बेल नहीं, लगातार जुडिशियल कस्टडी में वो चला जा रहा है, तब अगर 60 दिन वहाँ से काउंट होंगे जब उसकी अरेस्टिंग हुई। लोग क्या सोचते हैं FIR हुई वो भाग गया, अब साहब 60 दिन तो हो गए, मैं 60 दिन को 7 साल से बता रहा हूँ, 7 साल से ज़्यादा मामलों में 90 दिन, इसमें पनिशमेंट 7 से ज़्यादा है, आजीवन तक है, उसमें 90 दिन में चार्जशीट आना जरूरी होता है, लेकिन तब जब एक्यूज लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है तब होता क्या है। FIR माना आज कितनी तारीख हो गई, 7 जून को एक FIR हो गई, माना अमित जी पे FIR हो जाती है, अमित जी गायब हो गए, तो यहाँ के मुस्लिम लोग सोचेंगे 7 जून से शुरू करो और 90 दिन तक चार्जशीट तो आनी है, और चाहे अमित जी 90 दिन बाहर हैं तो वो वहाँ पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, 90 की जगह 900 दिन भी हो सकते हैं, अमित जी जब तक जुडिशियल कस्टडी में नहीं आएंगे, न्यायिक अभिरक्षा में जिस डेट से आएंगे उस डेट से 90 दिन काउंट होगा। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम लोगों से भी पूछते, आज भी लोग पूछते हैं, कई क्लाइंट पूछते हैं सर वो FIR होगी तो 90 दिन में तो चार्जशीट आ ही जाएगी, मैंने कहा 13 एक्यूज बाहर है, वो जब तक बाहर है तो ये जो दिनों की बाध्यता है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो दिन की बाध्यता उसी दिन एप्लीकेबल होगी जिस दिन उसकी अरेस्टिंग होगी, उसकी जुडिशियल कस्टडी आएगी, वर्ड याद रखिएगा, अरेस्टिंग नहीं, जुडिशियल कस्टडी, मेरी बात को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अरेस्टिंग नहीं, जुडिशियल कस्टडी, जिस दिन उसका कोर्ट में रिमांड होता है, फर्स्ट रिमांड, क्लियर। तो मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि जब भी डिफेंस की आप वकालत कर रहे हैं तो जो हीनियस क्राइम है उसमें सबसे पहले अपने क्लाइंट को ये बता दो या उसके परिवार को, थोड़ा सा धैर्य रखो, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, जब कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तब बेल डालिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है और ये मेरा सजेशन है, क्योंकि 164 आप कब देखेंगे, 164 आपको, आप देखिए विधिक रूप से सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई नहीं कर सकते 164 की जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ध्यान रखिएगा वर्ड मेरा, ध्यान रखिएगा, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक आप 164 स्टेटमेंट के लिए सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई नहीं कर सकते, पहले मिल जाती थी लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट आने के बाद आप 164 की सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं, 164 को पढ़ने के बाद ही आप बिल, आप जितनी अच्छी तैयारी कर लें, आप चाहे किसी को बुला लें, इंडिया के टॉप से टॉप वकील आ जाए, अगर 164 को बिना पढ़े उसने अगर बेल डाल दी और 164 आपकी अगेंस्ट हुआ तो आपकी बेल नहीं होगी। तो इसलिए एक डिफेंस काउंसिल की ड्यूटी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने का इंतज़ार करें, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए आप 164 का स्टेटमेंट ले लें, उसको पढ़ लें, उसके बाद आप प्रिपेयर होके आएँ। ये तो हो गया बेल का, अब चार्जशीट आ जाती है, चार्जशीट के बाद ट्रायल, ट्रायल के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले ये देखा जाता है कि वास्तव में आपके साथ ये कब तक थे, कब से आपका इनका दोस्ताना था, या अगर आप अननोन थे तो आपका इनकी जान पहचान कैसे हुई। तो सबसे पहले जहाँ खुद पीड़िता कहते मैं इनको नहीं जानता, नहीं जानती कौन है,
ये तो इन्होंने स्पेसिफिक आ जाता है, जानती हो तो बता के आएगी कि जानती है, नहीं होगा तो नहीं, अगर जानती है तो आप उसका पीछे बैठ में जाएं, आप कब से रिलेशन में थे, कहाँ कहाँ घूमने गए थे, आप इनके साथ कितना टाइम स्पेंड किया था आपने, और जहाँ अननोन है वहाँ पर आप और ये मिले कैसे, तो आपको केवल डाउट क्रिएट करने हैं। फिर उन्होंने कहा, कहीं कहीं पर वो कह देते कि इन्होंने हमसे शारीरिक संबंध बनाए, देखिए, या हमें नशीला पदार्थ खिला दिया, ध्यान रखिएगा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर मोस्टली मामले ऐसे आते हैं कि हमने इन्होंने हमको नौकरी के बहाने बुलाया और हमसे कहा कि हम आपको नौकरी दिला देंगे, फिर मैं इनके साथ, ये मुझे लखनऊ, दिल्ली, कानपुर में किसी होटल में ले गए, कहीं भी ले गए, वहाँ पर गए और उन्होंने मुझे नशीला पदार्थ खिलाया, मैं बेहोश हो गई, मैं जब उठी तो मेरे कपड़े अस्त व्यस्त थे और मैंने महसूस किया कि मेरे प्राइवेट पार्ट में दर्द सा महसूस हो रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया है। यही स्टोरी मोस्टली आती है। अच्छे डिफेंस काउंसिल होने के लिए आपको ये सिद्ध करना पहले होगा कि हम उसके पास नहीं गए थे, इंटेंशन हमारा ऐसा नहीं था, क्योंकि मेजर भी है अगर वो, तो किसी भी सूरत में उसके और अपने रिलेशन को एडमिट नहीं करना है। डिफेंस में अगर आपने उसके और अपने रिलेशन को एडमिट कर लिया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, आपको यही बताना है। और फिर बताया था नशीला पदार्थ, तो नसी वहाँ तक आप गए, आप अच्छा बुरा जानते थे, आपको मालूम है कि उस होटल के में बुला रहे हैं, होटल के कमरे में आप अकेले हैं, तो आप अगर समझदार हैं तो आपने ये प्रिज्यूम किया था कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, तो वो मोस्टली कह रहे थे हाँ किया, मुझे लगता था ऐसा हो सकता था, तो आपने उसके लिए क्या प्रिपेयर किया था, आप क्या प्रिकॉशन करके गए थे, आपने किसको इन्फॉर्म किया था कि मैं इनके यहाँ जा रही हूँ और मुझे इनसे काम है, क्योंकि कड़ी को जोड़ना पड़ता है। आप क्योंकि आप अननोन बता रहे हैं, आपने बताया सडनली इन्होंने ऑफर किया हम आ गए, तो आपको मालूम कि एक अननोन आदमी के पास आप जा रहे हो, तो आपने प्रिकॉशन क्या किया, आपने घर में किस शख्स को बताया था कि मैं इनके साथ यहाँ जा रही हूँ, तो उससे एक चीज़ आ जाएगी कंसेंट, यानी आप अपनी स्वेच्छा से, एज पर प्रोसिक्यूशन स्टोरी, आप अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं, तोड़ा जाता है इन चीज़ों को। मैंने कहा ना कि कुछ कंसेंट होती हैं जो एक्ट से डिफाइन होती हैं, ये उसका एक उदाहरण है आपके सामने। फिर आप बताते हैं कि आपको उन्होंने पदार्थ पिलाया, आप बेहोश हो गए, फिर उनसे ये पूछा जाता है कि आप कितनी देर बाद होश में आए, जब आपने पी रहे थे, क्योंकि कोई भी नशीला पदार्थ किसी चीज़ में मिलाया जाएगा तो उस पर अकड़हट आ जाती है, अजीब सा स्वाद हो जाता है, तो वो आपने फील किया था क्या, कितनी देर बेहोश रहे थे, आप बिल्कुल होश में नहीं थे, आपने कहाँ मेडिकल कराया था, भाई बेहोश हो गए तो आपने कहीं तो जहर गया है या नशीला पदार्थ गया है, उसका इलाज तो कराया होगा आपने, तो ऐसे करके उसके जितने भी एलिगेशन होते हैं उनको तोड़ा जाता है, हर एलिगेशन पर डाउट लाया जाता है, आपकी इससे दुश्मनी क्या है, तो आपको एक अपना ये बताना पड़ता है कि ऐसा इसने आपके साथ में, भाई रेप का आरोप लगाना कोई छोटी बात है, क्यों लगाया, तो आपके पास उसका एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप एक्सप्लेन कर पाएँ कि इन्होंने मेरे साथ मेरे पे रेप का आरोप क्यों लगाया। तो यही सारी चीज़ें हैं कि किसी भी तरीके से 164 देखिए 164 सब कुछ बोल देता है, 164 अगर आपके फेवर में है तो आप उसी स्टोरी पे आगे बढ़ जाएंगे, अगर आपका 164 भी आपके अगेन से कंटेस्टेड है तो अब उस स्टोरी में बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि FIR में क्या वर्जन था, 161 में पुलिस के सामने क्या वर्जन था, 164 में क्या वर्जन था, और फिर आपको यहीं पर एक लाइन जोड़ रहा हूँ, 164 के बाद पीड़िता के बयान होते हैं न्यायालय में जब ट्रायल शुरू होता है,
कितनी बार स्टेटमेंट हो गए उसके? तीन बार। कहाँ कहाँ हो गए? जब तक दरोगा जी थे तब तक क्या हुआ? 161। न्यायालय आ गए 164। और जब चार्जशीट के बाद आपको कोर्ट ने समन किया तब आपका थर्ड स्टेटमेंट। तो एक अच्छे वकील को 161, 164 और जो कोर्ट में स्टेटमेंट दिया वो, इन तीनों को सामने रखना चाहिए। ये देखना चाहिए इसने इम्प्रूवमेंट क्या किया, एड ऑन क्या हो रहा है। फिर हम पूछते ना, जैसे उसने कहा कि हम वहाँ गए, उन्होंने मुझको रस्सी से बांध दिया, फिर हमारे साथ ऐसा काम किया, जबकि उसने अपनी FIR में कहा हमको ले गए, हमारे साथ गलत काम किया, वहाँ पर उसने रस्सी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। एक मिनट बस, और ना ही उसने 161 में किया, 164 में भी नहीं किया। न्यायालय में आके उसने ये बात बता दी कि हमें रस्सी से भी बांध दिया था, मेरा मुंह भी बांध दिया था। तो वहीं पे ये क्या हुआ, उसका इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आपको यही पूछना चाहिए कि भाई आपने दरोगा जी को ये बात बताई थी, वो बोलेगी कभी बता देगी, नहीं बताई थी तो आप धन्यवाद दीजिए कि ठीक आगे बढ़ते हैं। उसने कहाँ बताई थी, तो दरोगा जी ने क्यों नहीं लिखी, यानी उसी के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन पे हम क्वेश्चन मार। फिर आपने न्यायालय में पहली बार बता रहे हो, वो कहेंगे हाँ। तो जो एड ऑन इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, अब उस इम्प्रूवमेंट को जितना पकड़ सकेंगे उतना आपके लिए फेवर में होता रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट से एक पूरा इन्वेस्टिगेशन पे आप प्रश्नचिन्ह लगा सकते हैं, ये पूरी विवेचना। फिर उसके बाद वही IO आएगा, IO से आप पूछो कि भाई पीड़िता ने आपको ये बताया था ना कि उसको रस्सी से बांधा गया था, मुँह बांधा गया था, आपने उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्या वो रस्सी रिकवर की आपने? तो वो तुरंत डिनाई कर जाएगा, नहीं मुझे तो नहीं बताया था। तो दो कंट्राडिक्शन आ गए ना। और अगर उसने वो चालू है ना, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही ऐसा था कि मैं उसको साइलेंट करूं, मैंने उससे पूछा कि पीड़िता ने ये बात बताई थी आपको कि रस्सी से बांधा गया था, वो रस्सी आपने रिकवर की, तो वो क्या करेगा? वो अपने ऊपर तो नहीं लेगा, वो तो डिनाई मार जाएगा, मुझे इसने बताया नहीं था। तो इसलिए इस तरह से छोटे छोटे से इम्प्रूवमेंट, कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है उन पर, उन्हीं इम्प्रूवमेंट से लेके कंट्राडक्शन करना। फिर और जो होशियार लोग होते हैं, वो जब क्रॉस कर रहे होते हैं तो क्रॉस में कुछ बातें ऐसी आती हैं कि उनका उसी क्रॉस से फिर कंट्राडक्शन किया जाता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, और इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जिसका लेफ्ट ब्रेन बहुत काम करता होगा, ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, जिसका लेफ्ट ब्रेन सबसे ज़्यादा काम करता होगा उसको हमेशा वही दिखेगा जो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, जो भी वो काम कर रहा हो। तो लेफ्ट ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं, तो जैसे एक लाइन पढ़ते चले ना, एक एक शब्द को बहुत अच्छे से पढ़ा करो, ये नहीं कि एक एक लाइन, एक एक क्लियर, एक एक शब्द से बदल जाता है। हाँ आप कुछ पूछ रहे थे, नहीं किस क्वेश्चन कंप्लीट करो, सहमति कहाँ से? अगर उसने मतलब सहमति दे दी तो कहीं तो आएगा एडमिशन सहमति का, जो आपने नहीं नहीं देखिए सहमति उसके उसकी FIR में आएगी कि हाँ मेरी कंसेंट थी तो रेप का केस नहीं बनता, कंसेंट दे रही तो रेप का केस कहाँ बन गया? अगर बालिग है तो, नाबालिग है तो बनना ही बनना है, चाहे वो जितनी कंसेंट दे, वो लिख के दे, वीडियो में बोले, ऑडियो में बोले, पूरी पब्लिक पूरी जनता के सामने नाबालिग लड़की कोई भी सीक्रेट देती है, सहमति देती, कोई भी सहमत देती है, वो रेप ही माना जाएगा। अभी क्लियर नहीं हो, फिर से पूछो मुझे, आप क्लियर नहीं होगी, क्लियर है? कंसेंट हमने आपको बताया, नाबालिग की कंसेंट कोई वैल्यू नहीं रखती, एक लाइन में पूरा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई नाबालिग लड़के का हाँ पूछिए। सर अगर कोई मेहनत का छेड़खानी होती सर, उसके कपड़े उतार दिए जाते सर, तो वो रेप के मामले में क्यों आता है? नहीं वो 354 में कवर करेगा, सेक्शन 354 के जो इंटीग्रेंट उसमें कवर करेगा, रेप में नहीं आएगा। रेप के लिए मैंने जो बताई कंडीशन वही कंडीशन है। अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, छेड़छाड़ करते हुए
उसके पास कोई पेन था या कोई ऐसा था, वो उसने उसके प्राइवेट पार्ट में घुसेने का प्रयास किया तो वो रेप हो जाएगा। नहीं नहीं लगता नहीं है, ये मैंने आपको बताया ना कि कपड़े फाड़ना अटेम्प्ट, बलात्कार का प्रयास अलग है, बलात्कार अलग है, बलात्कार का प्रयास अलग है और बलात्कार अलग है, दोनों अलग अलग डेफिनेशन है। अभी आपने तो पूछा था शोषण छेड़खानी, मतलब जैसे उसको ये महसूस हो जाए, कई बार होता क्या है मैंने बताया ना गुड टच बैड टच, बैड टच आप प्रिज्यूम करोगे उसके बाद वो उसी दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन रेप की जितने भी नॉर्म्स है उसको अगर फुलफिल नहीं कर रहा है और अगर वो उसी बीच आपने रोक दिया मोलेस्टेशन आ जाएगा। जितने मैंने एक्ट बताए हैं कि अगर रेप की जो कंडीशन बताई है कि आपके प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी करना, जबरदस्ती अपने प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी याद करना, आपको भय डालना, भय में डालकर आपसे कंसर्न लेना, ये सारी रेप की है, रेप की परिधि में आएंगी। रेप के कंटेंट्स मैंने इसीलिए शुरू के 5 शब्द बोले थे, वो इसीलिए मैं बोल रहा था, पता नहीं पहले इंटरकोर्स होना मस्ट होता था, डिजिटल रेप में उन्होंने डिजिट रेप कर दिया कि कोई भी चीज़ इंसर्ट हो रही है रेप की परिधि में आएगी। और एक 375 में प्रांजल शुक्ला है क्या? बताइए भाई साहब जरा जवाब दीजिए। 1 मिनट मैं यही रोक देता हूँ। शायद कल आपने चौहान सर का लेक्चर ध्यान से नहीं सुना था, उसमें उन्होंने बताया था एंटीसिपेटरी बिल किन किन चीज़ों पर एप्लीकेबल नहीं है, आपने नोट भी किया था, आपने नोट किया था नहीं किया था। एक चीज़ उसमें और छूट गई थी, एनएसए को भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए, कल कही चैप्टर में एंटीसिपेटरी बिल किन किन चीज़ों पर लाई नहीं कर, उसमें एनएसए भी है। नहीं नहीं संगी ऐसा नहीं है, उन्होंने कल जो जो लिखा था जरा रिपीट करो फिर मैं बताऊँ। एंटीसिपेट डकैती विद मर्डर भी होगा, कहाँ डकैती विद मर्डर आप लिखना भूल गए, SC ST भी लिखा होगा, इसी में एक और राजद्रोह, ये बस एक एक और एड ऑन कर लो, बाकी सब में हो जाए। ये इसलिए मैं इनसे पूछ लेता हूँ क्योंकि ये सब बच्चे 2-2 साल प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इनके अंदर कैपेबिलिटी, कोई क्वेश्चन पूछेगा मैं उनसे पूछवाऊंगा, पूछो कोई क्वेश्चन। हाँ पीटा के बारे में सर प्लीज बताइए। नहीं बता पाऊंगा सर, रिक्वेस्ट ये है कि टॉपिक हमारा रेप से संबंधित ही है। पीटा और रेप में बहुत बड़ा अंतर है, कहाँ आप पीटा और रेप, कोई प्रोस्टिट्यूट कह रही थी इससे रेप किया तब क्या होगा, वो रेप की कंडीशन आएंगे। आप चीज़ों को क्लब कर रहे हैं ना, आप क्लब मत करिए। पीटा में तो उसकी स्वयं की कंसेंट है भाई, वो तो पुलिस इन्वेस्ट करती, कोई पब्लिक का आदमी आज तक आपने देखा पीटा में एफआईआर कराएगा? वो तभी कराएगा जब उसकी पत्नी ऐसा कुछ कर रही होगी, तब वो एक्ट आता है। लेकिन मोस्टली पीटा को आप रेप से बिल्कुल मत कनेक्ट करिए, बोथ आर डिफरेंट चैप्टर। हाँ तो माना जाएगा, लाख है विचुअल हो, कंसेंट कहाँ चली गई भाई? अरे कंसेंट में तो आप कुछ भी हैं, आपकी कंसर्न नहीं तो आपको कोई छू नहीं सकता भाई। सर एक फाइनल क्वेश्चन ये था कि FIR में वादरी मुकदमा पीड़िता ने रेप शब्द इस्तेमाल नहीं किया, क्या वो 164 में अगर रेप शब्द इस्तेमाल करेगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस पर्टिकुलर चार्जशीट पर या ट्रायल पर? या पूरा ट्रायल पर आपका असर पड़ेगा, रेप की परिधि में आएगा। अगर उसने 164 में ये कहा है मेरे साथ रेप हुआ और उसने कहीं भी नहीं कहा, FIR में भी नहीं कहा, तो रेप माना जाएगा। ट्रायल हाँ पहला फैसला लेगा, गलत काम किया, यौन शोषण किया, शारीरिक संबंध बनाए, बस पहला फैसला कर लेंगे, ठीक है ना? आपकी FIR किस में हुई? 363 और बस
164 हुआ, रिकवर हुई, 164 में उसने कहा कि मुझे ले गए तो मेरे साथ वहाँ पर बलात्कार किया, तो 375 एड ऑन हो गई, इन्वेस्टिगेशन में वो बलात्कार भी आगे बढ़ जाएगी। सर एक और क्वेश्चन, हाँ, अगर किसी लड़की का रेप होता है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती है, तो उसका मेंटेनेंस कौन देगा? तांजल शुक्ला जवाब दीजिए। इधर आइए एक मिनट, मिस्टर प्रांजल शुक्ला खड़े होकर बात कीजिए जरा, आपसे बहुत सीनियर बैठे हैं। कोई क्वेश्चन पूछिए, एक आप पूछेंगे जवाब वही देगा। एक सौ इकसठ सी डी का पार्ट है, जिनकी सी डी की कॉपी सर्टिफाइड नहीं मिलती, सी डी की कॉपी मिलती है सेक्शन 207 जब एक्यूज आता है और उसका कंप्लाइंस होता है आप, लेकिन मोस्टली लोगों को जुगाड़ से मिल जाती है और लोग लगाने भी लगे हैं, अब लग जाती है, लोग लगाते भी हैं 161। जी जी, हाँ कहीं से, या फिर मैं बता दूँ, मैं बताता हूँ, जब भी आप बेल डालते हैं ना, स्टेट से काउंटर कॉल होता है ना, 10 डेज का टाइम दिया जाता है, स्टेट से काउंटर कॉल होता है, तो हम लोग हैं आपस में एक दूसरे को कोई कॉपी शेयर कर दें। डिफेंस वर्जन अगर रिटर्न में ले आए तब की बात करें। हाँ सर, रिटर्न में 161 में एक आ गया है, ये केस आईडी का ये पार्ट है। हाँ तो मेरे अगेंस्ट कोई चीज़ अगर इस्तेमाल हो, क्या मैं उसको पढ़ूंगा? नहीं, इन्वेस्टिगेशन इनफ्रक्चुअस मानी जाए या कुछ नहीं मानी जा सकती, क्यों मानी जाएगी? लूप होल ऑफ आईओ, ये लूप होल नहीं है, आईओ की ये लूप होल थोड़ी ना है, इसके लिए वो कह देगा सॉरी, तो पुलिस रेगुलेशन एक्ट में जो दंड होगा उसको दंड मिल जाएगा, उससे आपके केस में कौन सा प्रभाव पड़ जाएगा? मैं तो ट्रायल की बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस की कार्यशैली में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ट्रायल में बात कर रहा हूँ कि ये आपको ये लूप होल है ही नहीं, ये तो नेग्लिजेंसी है, हम आपसे ज़्यादा निकट हैं, हमने आपकी मदद कर दी, आपको कोई पेपर मैं ही प्रोवाइड करा देता हूँ। 161 हम लोग कोर्ट में जब एक्यूज का आर्गूमेंट करते तो पूरी केस डायरी मेरे सामने होती, मैं उसको पढ़ते पढ़ते बता रहा हूँ कि इस पेज में इस सीडी के पर्चा नंबर पर ये लिखा हुआ, मेरे अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट, मेरे अगेंस्ट कोई भी कागज इस्तेमाल होगा, मुझे उसको जानने और पढ़ने का अधिकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या कहा, इस कॉपी लीक तब नहीं मानी जाती है कि वो जब आई नहीं, आप जब आपने बेल यहाँ डाली तब आई कॉपी, कई लोगों से के हाथ से होती हुई आती है ना। नहीं, अरेंज की जाती है, स्टेट काउंटर इसीलिए होता ना, वहीं के लोगों ने दे दी होगी, ये विधिक रूप से तो लीगल नहीं है, 161 की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल सकती, 161 की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलती है वैशाली जी, 161 की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलती है, केवल एक बार कॉपी मिलती है, वो 207 सीआरपीसी की कंप्लायंस होती है, जब एक्यूज का चार्ज बनना होता है आता है तो 207 में उसको केस जारी और सबकी नकलें दी जाती हैं, तब विधिक रूप से उसको वहाँ पर वो कॉपी मिलती है। जो भी मैंने कहा कि मेरा विधिक अधिकार है कि मेरे अगेंस्ट क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हुआ, उसको मुझे जानने का अधिकार है, वो 207 में आपको कंप्लाइंस कराई जाती। अरे जैसे आपको 207 के स्टेज पे दे रहे हैं, वैसे अगर आपको पहले अरेंज हो गई, मेरे अगेंस्ट मैं तो हर वो काम करूँगा जो मेरे लिए सुटेबल होगा। हाँ, इसके लिए माननीय न्यायालय जिन्होंने ऑर्डर पास किया, अपने ऑर्डर में ये वर्जन डाला था, तो जो भी समय सक्षम अधिकारी है वो एक नोट टिप्पणी इस गाइडलाइंस में कर सकता था कि ये उपलब्ध आई, इसको देखा गया, लेकिन ये इनको कहाँ से प्राप्त थी, संबंधित लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए, बस इतना ही आपको मिलेगा, इससे आपको केस में आपको कोई राहत तो मिलनी नहीं। सर,
कुल क्वेश्चन जुरिडिक्शन पे सर, अगर आगरा पे रेप हुआ क्या कानपुर में एफआईआर हो सकती है, इसके बारे में रनिंग ऑफेंस नहीं है, ये रनिंग ऑफेंस नहीं है, जहाँ पे घटना हुई है वहीं माना जाएगा। आपको याद होगा मिस्टर अमित जी, एक डांसर के खिलाफ एफ आई आर हुई थी, केरल की थी कहाँ की थी, एक डांसर के साथ यहाँ पे कुछ बलात्कार हुआ था, आसाम की थी ना, तो एफ आई आर कहाँ लिखी गई, यही लिखी गई कानपुर में। मेरे पास एक केस आया जिसमें लोग लद्दाख की पोस्टिंग है, बलात्कार का ही केस है, लेकिन जब वो यहाँ पे कैंट में थे छावनी में, एफ आई आर ये लिखी गई थी, रनिंग ऑफेंस नहीं। सीरियल में आपने बताया ना, सीरियल अगर लगातार होता जा रहा है, करते करते ले जा रहा, तो कहीं पे भी नहीं नहीं सीरियल का मतलब ये नहीं होगा। आज आगरा में जहाँ से आपने मेरे भैया, जहाँ से अपराध की शुरुआत हुई, आपने उसको अपने घर से उठाया या यहाँ से उठाया, तभी तो अपराध धाराएं अलग अलग चल रही ना, तो अपराध का जो इंटेंशन था वो तो शुरुआत वहीं से थी, जहाँ से उठाया तो वहीं आएगी। मैं इसलिए और हाँ मैं इसलिए इनसे और करवा रहा हूँ, ये हमारे जूनियर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी ध्यान दूँ कि मेरा जूनियर कितना। कोई क्वेश्चन आप एक मिनट से पूछिए। सर, आईपीसी के सेक्शन 375 के फोर्थ पार्ट में ऐसा बोला गया है कि मतलब किसी महिला को ये लगता है कि वो इंसान मेरा पति है, पर उस आदमी को पता है कि मेरी पत्नी नहीं है, और उसने उसके साथ अगर कुछ किया तो वो बलात्कार की श्रेणी में जाता है, पर मान लीजिए यहाँ पर उस इंसान को भी लगता है कि मेरी पत्नी है, दोनों को ऐसा लग रहा है कि हम पति पत्नी है, बाद में उस औरत को पता चलता है और वो उसके ऊपर बलात्कार का केस कर देती है। बलात्कार हमेशा औरत के साथ होता है, आदमी के साथ नहीं। नहीं सर, उसको मतलब उसमें बोला गया है कि उसको पता ही नहीं था, मतलब उस आदमी को पता है कि वो मेरी पत्नी नहीं है। आपने डेफिनेशन बदल दी, फिर से रिपीट कीजिए। सर, उस औरत को ये लगता है कि ये इंसान मेरा पति है, पर उस आदमी को पता है कि ये औरत मेरी पत्नी नहीं है, और फिर भी वो उसके साथ कोई गलत काम करता है, तो ये गलत काम परिभाषा में आ गया, रेप है, ये रेप है। बट उस आदमी को उस लॉ में इंटरप्रिटेशन नहीं होता, लॉ में इंटरप्रिटेशन नहीं होता, लेकिन मैं आपको जवाब दूंगा। आप पूछिए, प्रांजल शुक्ला आओ इधर, देखिए कब आपको जवाब दे। तो सर वो इंसान बच जाएगा इस केस में, उस पर वो चार्जेस नहीं होने जरूरी है, किसी भी क्राइम के होने पे पत्नी के साथ अपनी कर रहा था, पत्नी के साथ बाद में क्या होता है, सारे जवाब वही दे देगा। और पूछेगा कोई, पूछे पूछे पूछे, प्रांजल शुक्ला आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ भाई साहब, हमें कहा था ना तुमसे, इधर आइए भाई साहब, इधर हमारे इधर आइए बगल में, पूछिए आप। उसका फायदा डिफेंस लेगा, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, मेडिकल कराना उस पर लिख दिया जाता है, जब आप लोग ट्रायल के उस पर देखेंगे, जो मेडिकल आएगा उस पर लिख दिया जाता है कि पीड़िता ने अपना आंतरिक परीक्षण कराने से मना कर दिया, वो उस पर नोट डाउन करते हैं डॉक्टर, डॉक्टर नोट डाउन करते हैं जब मेडिकल होता है। सिर्फ मेडिकल एक वो नहीं है ना, हाँ रेप के केस में सिर्फ मेडिकल एक ग्राउंड नहीं है रेप एस्टैब्लिश करने का। आपको ऐसे ही एक केस था जिसमें एक बच्चा था, बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर हल्की सी लालिमा थी, बाकी कुछ नहीं था, उसको भी रेप माना गया था। केस करना रेप मींस रेप, उसको भी रेप माना गया था। तो जरूरी नहीं है कि आपको, देखिए डिफेंस काउंसिल है तो आपको उसका लाभ मिलेगा, अगर प्रोसिक्यूशन से हो तो आपका केस कमजोर होगा, अगर मेडिकल नहीं होता तो।
लेकिन ट्रायल पूरा कंक्लूड होगा, पीड़िता के बयान अपने आप में पर्याप्त माने जाते हैं। अगर पीड़िता ने अपने बयान से आपको फ्री कर दिया तो आप समझ लीजिए आप 80% फ्री हो। लीविंग पॉइंट ऑफ रेप फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोसिक्यूशन किन पॉइंट्स को टच करना चाहिए और किन पॉइंट्स को डिफेंस को टच करना चाहिए? प्रोसिक्यूशन को तो पूरा फोकस है, 164 में जो भी वर्जन है कंटेस्टेड वर्जन उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए, क्योंकि FIR में बहुत लोगों को नहीं मालूम, FIR में सारी चीज़ें नहीं लिखी जा सकती। एज ए प्रोसिक्यूशन अभी मैंने दोनों पार्ट बता रहा हूँ, मैंने भी आपसे बताया ना कि इम्प्रूवमेंट देखो क्या क्या किया और उसका कंट्राडिक्शन देखो, मैंने डिफेंस की तरफ से बताया था। प्रोसिक्यूशन में मेरे पास सेंटेंस मालूम क्या था कि सर FIR में सारी चीज़ें नहीं लिखी जा सकती, जिस समय की FIR उस समय मेरी मना स्थिति कितनी खराब थी, उस समय मैं किस कंडीशन में थी, उस समय जो मुझे याद था, ये प्रोसिक्यूशन साइड से उस समय मुझे जो याद था वो उसमें मेंशन लिखा है। जैसे जैसे मेरी स्थिति ठीक होती गई तो मैंने 161 में जो याद आया वो मैंने बता दिया, और न्यायालय में पहली बार जो बता रहे हैं तो मैं आज एकदम क्यों, अगर आप ये नहीं बताएंगे कोर्ट में कि मैं फिट हूँ स्टेटमेंट के लिए तो आप अपने आप पर सचिन लगाओगे, तो आप बताओगे अब मैं फिट हूँ तो मुझे वो सब याद आ रहा, वो मैंने अब बता रही हूँ। प्रोसिक्यूशन का रोल यही है, FIR के वर्जन, 161 के वर्जन और 164 ओवरऑल 164 में जो उसने कंटेस्टेड बात कही है उसी पे आपको केस लीड कराना है आगे। होस्टाइल पर क्या करेंगे? होस्टाइल पर 344 की कार्रवाई आपके खिलाफ हो जाएगी, और क्या होगा? अगर डिफेंस साइड पे है तो लड़की की माँ पीड़िता सभी होस्टाइल हो जाते हैं, तब भी मसला जल्दी पॉक्सो में पनिशमेंट हो जाता है। आजकल एक होस्टाइल विटनेस वर्ड अब मजेदार वर्ड नहीं है, उसको पेड विटनेस बोलने लगे, समझदार है। पेड विटनेस में सारी परिवार नहीं, नहीं। सब पेड विटनेस कोई क्वेश्चन पूछो यार, मैं तो इससे पूछ रहा था, इससे उम्मीद लगाया था ये क्वेश्चन पूछ। सर डिफेंस में क्या क्या पॉइंट और हिट करें सर? कुछ डिफेंस मैंने बताया, नक्शा बाजरी में सर आप कुछ और बोल दिए सर, कंक्लूजन कैसे कंक्लूड करें डिफेंस के साइड से स्पीच? एक केस था, उस केस का नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कानपुर नगर का मेरे साथ वो टीम भी है, मेरे साथ वो टीम है इस समय इस रूम में। कानपुर कोर्ट का एक बहुत बड़ा केस, नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि इसके सामने बैठा हूँ, अगर ऑफलाइन होता तो मैं बताता। कानपुर केस का, कानपुर नगर का एक बहुत बड़ा केस है 302 का, अपने समय का उस ईयर का सबसे बड़ा कानपुर की पुलिस के लिए पेचीदा केस था, जिसमें पुलिस को बहुत परेशानी हुई और बड़ा परेशान रही। एक्यूज अभी भी जेल में है और वो केस 302 हत्या का मामला था, जो आपने बताया घटनास्थल उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो हमारी चैम्बर की जो जितने भी हमारे कुलीग हैं, मेरे साथी हैं, जूनियर कम कहता हूँ भाई ज़्यादा बोलता हूँ इन लोगों को, तो ये जितने भी मेरे साथ हैं, दो पीछे बैठे हैं, एक ये हैं और वो, तो हम लोगों को कुछ डाउट हुआ, हमने भी एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, क्योंकि मुझे ये देखना था कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ों को छोड़ रखा है, किन किन नॉर्म्स को लेना चाहिए था नहीं लिया, तो उसमें ये जो घटनास्थल था इसका एक अहम रोल था। तो हम सारे भाई लोग एक साथ बैठ के उस केस को डिस्कस कर रहे थे, पुलिस की चार्जशीट को पढ़ रहे थे, तो ये चीज़ सामने आई कि हम लोगों को स्वयं घटनास्थल पर जाना पड़ेगा और हम लोग को जाना होगा। हम सभी लोग उस घटनास्थल पर जाते हैं, चूँकि ट्रायल अंडर ट्रायल है इसलिए लूपोल नहीं बताऊंगा कि उसमें क्या लूपोल था, लेकिन घटनास्थल पर जाने के बाद मुझे वहां पर एक ऐसी चीज़ मिली जो पुलिस ने ही दी, मैंने कोई कलेक्ट नहीं की,
जो मेरी आंख से जो चीज़ें मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी, पुलिस ने घटनास्थल को दो जगह डिफाइन किया, उन दो जगह उन दोनों चीज़ों को डिफर कर दिया। हम गए वहाँ पर, हमने जाके जो पाया फिर उसको चेक किया तो ये पता चला बिल्कुल अथेंटिक है। जैसे माना मिसाइल यहाँ से अगर यहाँ से मिसाइल छोड़ी जाए और बना लिया जाए टारगेट, कोई सी अच्छी सी बिल्डिंग बताओ। राहुल का चैम्बर, राहुल का चैम्बर। हाँ भाई, किसी के यहाँ क्यों गिराओ, इसी के यहाँ गिरा देते हैं। यहाँ से कोई मिसाइल छोड़ी जाए, राहुल के चैम्बर पर जानी है, तो मिसाइल को तो छोड़ने से पहले उसका प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस निर्धारित किया जाता है कि राहुल का चैम्बर, ऐसा ना हो राहुल के बगल में कहीं गिर जाए, कहीं इधर गिर जाए। तो राहुल के चैम्बर के लिए एक वर्ड है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। जब तक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड उस प्लेस का एक्यूरेट नहीं होगा, तब तक मिसाइल वहाँ पर नहीं जाएगी, इधर उधर चली जाएगी। तो यही खेल घटनास्थल पर था कि हम लोग तो इस मोबाइल वोबाइल वाला थोड़ा सा कम, यही टीम जो है यही लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो वो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऐसा पाया कि बिल्कुल डिफरेंट। पुलिस लिख तो देती बहुत ईजी, आपने देखा होगा कभी, अभी आपके सामने कभी कोई नक्शा नजरी आता है घटना का, तो ऊपर साइड में देखना लिखा होगा कुछ नंबरिंग सी होंगी, 0°84840C ऐसे करके लिखा होगा। तो हम लोग वहीं तक सीमित थे, पता नहीं क्या लिखा है, ऐसे पूछते पता नहीं क्या लिखा है ये। तो वो रोल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल था हम लोगों ने जाके। तो घटनास्थल मैं तो यही कहूँगा, हीनियस क्राइम में सबको सजेस्ट करूँगा, हीनियस क्राइम में अगर कोई आप हीनियस क्राइम पर ट्रायल कर रहे हैं तो घटनास्थल पर आपको जाना जरूरी है। पुलिस लिख के आती है कि पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, बहुत सी चीज़ें गायब कर देती है। कभी कभी आप देखिए कि पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, आपको पूरा दिखाई पड़ेगा। आप अपनी लिखें, फिर वहाँ के देखिए क्या क्या चीज़ें बेसिक हैं, क्या वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे थे आसपास, लोगों के घर में लगते हैं, हर घर के दो चार घरों में होता है। तो भौगोलिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है, एक बार जाना जरूर चाहिए हीनियस क्राइम में। अब ये नहीं कि 498 में आप घटनास्थल पर पहुँच जाओ जहाँ लड़की के साथ मारपीट बता रहे हैं, वहाँ क्या देखोगे जाके, उससे कौन सा आपको लूप होल मिलना है। हीनियस क्राइम में विशेष कर बताइए सर, 10 साल बड़ी लड़की और रेप होगा 375 में मैन वर्ड यूज किया और उसकी डेफिनेशन आईपीसी में दी गई। ट्रांसजेंडर के साथ बताइए सर, ट्रांसजेंडर के साथ हो सकता है, ट्रांसजेंडर के साथ रेप क्यों नहीं हो सकता है सर। रेप के टाइप में एक्यूज के साइड से क्या क्या चीज़ें डिफेंस में पेश करनी चाहिए सर, अरे बताने दो थोड़ा मोटा। फ्रॉम द साइड ऑफ डिफेंस अगर हम पेश करें तो क्या क्या चीज़ें हैं कि उसके साइड से पेश करें। जैसे प्रोसिक्यूशन की साइड से हम लोग 164 देखते हैं, तो उस टाइम डिफेंस की साइड से भी 164 को ब्रेक करने की कोशिश करें कि 164 कितना तोड़ सकते हैं, कंटेस्टेड है अगर और नहीं है तो आपके फेवर में ही काम करेगा। मेडिकल की क्या टाइमिंग रही है, डिले ऑफ FIR देखेंगे कि कितने टाइम बाद हो रहा है, विटनेस पूछ। 164 को कैसे तोड़ा जाएगा सर, मैं डिफेंस फिटनेसेस जब मैं डिफेंस फिटनेस की बात करें, ट्रायल के समय डिफेंस फिटनेस के समय एक्यूज की क्या क्या चीज़ें हम कौन कौन से फिटनेसेस प्रस्तुत कर सकते हैं, मे बी इसमें भी तो वो आप देखिए डिफेंस फिटनेस की बात आप ऐसे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। नहीं फैमिली मेंबर्स बस वो रोल ऑफ डिफेंस फिटनेस। मैं डिफेंस फिटनेस 313 के बाद डिफेंस की फिटनेस शुरू होती है। कभी कभी डिफेंस फिटनेस कराना बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोग नहीं कराते, बहुत लोग कराते, बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हर केस में डिफेंस फिटनेस पेश नहीं किए जाते और हर ऐसा भी नहीं कि किए नहीं जाते, केस की परिस्थितियां बताती हैं। मोस्टली प्ली ऑफ एलिबाई, ये वर्ड सुना आपने, ये सुना है किसी ने वर्ड, अमित जी कौन सा वर्ड है? जगह पर ना होने का फायदा। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर बैठे
भावी अधिवक्ता वर्तमान अधिवक्ता एक चीज जान लें, जो बहुत लोग होते हैं कि माना मिस्टर कानू शुक्ला मेरे साथ इस समय आखड़े हैं और बड़े चौराहे पर कोई मर्डर हो जाता है, कोई घटना घटित हो जाती है, ये नेम्ड है, इनका नाम है कि ये भी उसको एक तरफ पकड़े हुए थे। ठीक, देखिएगा मैं बेसिक बात बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि 100 में 90% लोग यही कहेंगे जो मैं कहूँगा, लेकिन मैं 10% लोगों की सोच बताना चाहूँगा आपको। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना आपसे। प्रांजल शुक्ला मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं, इसी समय बड़े चौराहे पर एक मर्डर होता है, उसमें ये कहा जाता है कि मिस्टर प्रांजल शुक्ला ने उसके हाथों को पकड़ रखा था, यानी इनकी पर्सनल प्रेजेंट वहाँ पर शो कर दी जबकि मेरे साथ खड़े हैं। मैं बेल लेके आता हूँ प्रांजल शुक्ला की, तो क्या मुझे इस ग्राउंड पर बेल मिलेगी कि प्रांजल शुक्ला वहाँ पर नहीं थे? मैं तो कई विटनेस दूंगा कि मेरे साथ थे इतने लोग, सारी एविडेंस है कि मेरे, आप सारे लोग एविडेंस है ना, प्रांजल यही खड़ा है और ये कैमरा चल रहा है कि प्रांजल शुक्ला यहाँ प्रस्तुत है, इससे बड़ा भी कोई एविडेंस नहीं होगा। क्या मुझे बेल में बेल मिलेगी इस ग्राउंड पर कि प्रांजल शुक्ला वहाँ पर नहीं थे? रीजन तुम नहीं बताओगे, किसने का नहीं मिलेगी, जिसने बोला नहीं मिलेगी, लास्ट ईयर की चौपाल में क्वेश्चन था, जिसने अटेंड करी वो बता सकते, जिसने कहा नहीं मिलेगी, किसने कहा मिलेगी? मैं तो कह रहा हूँ भाई मिलेगी, बताओ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा, अरे एक मिनट यार, इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा कि आप सब लोग कह रहे हो, आपके सामने खड़ा है, अब भी नहीं मिलेगी क्या, बताइए। साइलेंट हो आप लोग, जिसने कहा नहीं मिलेगी अमित को छोड़कर ये बताए किसने कहा नहीं मिलेगी। देखो अभी एक चीज और, आपने आप नहीं बोला, बोलेंगे क्या, क्या आंसर होगा आपका? बेल ऑर्डर जो आपको मिलेगा वो गुण दोष के बिना मिलता है, उसमें ये लिखा जाता है कि छोड़ा जा रहा है, मेरिट्स को नहीं टच करती है कोर्ट, अदरवाइज अगर टच कर देगी तो आप उसका फायदा उठा लेंगे कि साहब आप ही कह रहे हैं आपने एक्सेप्ट कर लिया, अगर इसी बात पे उनको बेल दे रहे हैं कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे तो हम बाकी ट्रायल क्यों फेस करेंगे? समझ गए, लिख देते हैं कि बिना मेरिट्स को देखे बेल, आपको समझ में आया? ऐसे नहीं समझ में आया, मैं बता देता हूँ। देखो ये लोगों ने थोड़ा लॉ के वर्ड में बोला, मैं सीधी सीधी भाषा में बोलता हूँ। माना मैं जज हूँ और बीइंग जज मैंने ये पाया आप सबकी एविडेंस के अकॉर्डिंग कि मिस्टर प्रांजल शुक्ला वहाँ पर नहीं थे, तो मैं इस चीज़ को मेंशन करूँगा ना अपने ऑर्डर में कि इन इन स्थिति से प्रांजल शुक्ला वहाँ पर नहीं थे, इसलिए इनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया, इनको बेल दी जाती है। जैसे ही मैंने ये ऑर्डर किया तो यानी मैंने ट्रायल अभी चल रहा था ना, इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, मैंने वहीं ख़त्म कर दी, मैंने अपना कंक्लूजन दे दिया कि वहाँ पर थे नहीं तो ये क्यों दोषी, ट्रायल कहाँ चला? ये अब देखिए दो पार्ट, दोनों पार्ट बता रहा हूँ, बीइंग ए जज प्ली ऑफ एलिवाई को नहीं मानेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, यही चीज आप आई हो, ये सारे लोग देखिए मैं बार बार कह रहा था मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही सारे लोग, यही कैमरा और हम सब बेल में जज साहब के पास ये कहने नहीं जाएंगे, हम सब पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन करा उसके पास जाएंगे और ये कहेंगे कि उस समय प्रांजल शुक्ला यहाँ पर थे, सारे एविडेंस हम उनको देंगे, तब वो चार्जशीट में हमारे खिलाफ फाइनल रिपोर्ट आएगी तब। लेकिन एज ए जुडिशियल ऑफिसर अगर वो इसको ग्राउंड बनाकर बेल दे देते हैं तो वो तो मुकदमा खत्म कर रहे हैं, ट्रायल कहाँ हो रहा है, समझ गए डिफरेंस? सर डिस्चार्ज भी के लिए हाँ बिल्कुल,
इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है ना, सारा कुछ एविडेंस आपकी कलेक्ट हो चुकी है। क्या डिस्चार्ज अलाउ होते हैं जनरली? हाँ होते हैं, मेरे हुए, मैं सामने कह रहा हूँ, ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, 304 में मेरा मैं डिस्चार्ज हुआ। लेकिन पता है ना कि रेशियो ऑफ केसेस क्या रहता है डिस्चार्ज? 0.1% 0.1%। इसी जगह सर हमारी सारी चीज़ें प्रोसिक्यूशन के पास नहीं पहुंच जाती, फिर उसको कैसे बचाएं? डिस्चार्ज हो जाए तो लगाएं, नहीं तो ना लगाएं, कब डिस्चार्ज? ये तो आप अच्छे वकील हैं, अगर आप डिस्चार्ज की स्टेज पर अपने सारे ट्रम्प कार्ड खोल देंगे तो प्रोसिक्यूशन उन सारी चीज़ों को फुलफिल कर देगा। मूव करनी चाहिए कि नहीं? नहीं करनी चाहिए। तो सर फिर वो 0.01 में हम कैसे बात? आपने आपको जो फेस करना था, जो मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, जो आपने गए बेल हुई, बेल होने के बाद आप ट्रायल फेस कर रहे हैं, आपने डिस्चार्ज डाला, तो आपने डिस्चार्ज डालते ही अपने सारे ट्रम्प खोल दिए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन बिल्कुल चौकन्ना है, उन्होंने देखा ठीक, तो वो जितने भी एविडेंस होंगे उन चीज़ों को फुलफिल करता चला जाएगा। तो मेरी तो यही एडवाइस है कि डिस्चार्ज में डालना चाहिए, डालना चाहिए। अगर विवेचक को मेरी विवेचक को सर दिया नहीं लगाया, विवेचक को दिया ऐसा नहीं होता कि नहीं लगाया, विवेचक को दिया, विवेचक ने माना कि नहीं माना? नहीं माना, तो आप डिस्चार्ज नहीं करेंगे, तब डिस्चार्ज आपको लाना होगा, क्योंकि एविडेंस जब तक चल, देखिए जब तक इंक्वायरी चल रही, इन्वेस्टिगेशन चल रही, तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं। कोई क्वेश्चन? सर अगर कोई लड़का एक लड़के के साथ, जो कि एक से लेकर 5 साल का बच्चा है, अगर उसकी प्राइवेट पार्ट में कोई छेड़खानी कर देता है, जिससे एक लड़का बच्चा जी एक बड़ा लड़का बच्चे के साथ, अच्छा बड़ा लड़का मतलब मेजर की माइनर? मेजर। तो अगर छेड़खानी कर देता है बच्चे के साथ, पॉक्सो में है, तो फिर रेप में नहीं जाएगा? नहीं नहीं, बच्चा की लड़की की लड़का है, लड़का है तो रेप में नहीं जाएगा, पॉक्सो में जाएगा, पॉक्सो में जाएगा। नहीं नहीं, डिस्चार्ज अगर वो इंसर्ट करेगा वो अलग, पॉक्सो में जाएगा। स्पेशल एक्ट पढ़ो, पॉक्सो बहुत बड़ा एक्ट नहीं, बहुत छोटा एक्ट। आई होप सर हम लोग फिनिश करते हैं, कुछ ऑफ द स्क्रीन क्वेश्चन पूछना चाहते हैं।